हेलो माय ओनली स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास। साइंस के लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? साइंस के लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट एड के बारे में जाना था, ठीक है। और अब हमारे लेसन की बस थोड़ी सी एक्सरसाइज रह गई है, तो ये आपका काफ़ी छोटा सा सेशन है। सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेट्स ट्राई फोर। लेट्स ट्राई फोर में देखो आपका क्या दिया है, ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर बताना है, ओके। वी शुड फर्स्ट कीप एन इंजर्ड पर्सन काम। हमें सबसे पहले जिसको भी चोट लगी उसको शांत रखना चाहिए ना, काम रखना चाहिए। सो येस इट्स ट्रू। फिर वी शुड अप्लाई बर्न ऑनिटमेंट ऑन अ कट। आपको जलने पर जो ऑनिटमेंट यानी जलने पर जो क्रीम लगाते हैं उसे कट पर लगाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए क्या? नो इट्स फॉल्स, ओके। If there is no footpath on the road, then we should walk on the right side of the road. अगर फुटपाथ पे चलने रोड पर चलने के लिए फुटपाथ नहीं तो हमें रोड के राइट साइड पे चलना चाहिए। नो इट्स फॉल्स, ओके। आपको हमेशा अगर वहाँ फुटपाथ नहीं है रोड पे तो आपको हमेशा रोड के लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए, ठीक है। अपने लेफ्ट साइड पे ही आपको चलना चाहिए, ओके। राइट साइड से कोई नहीं चलेगा। When we have any bone, we should show those under the running water. जब हमें जल जाए तो हमें उसे पानी के नीचे रखना चाहिए थोड़ी देर, तो yes it's true, हमें ऐसा करना चाहिए। We should crowd around an injured person. हमें injured person के आसपास भीड़ लगानी चाहिए? बिल्कुल नहीं, उससे वो और घबरा जाएंगे, है ना, तो ये false है। We should wear loose synthetic clothes while working in the kitchen. हमें किचन में काम करते समय ढीले ढाले synthetic cloth पहनना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी आग लग सकती है, फायर लग सकती है, ओके, हम जल सकते हैं, इसलिए एक फिट कपड़े पहनना चाहिए। तो ये आएगा आपका फॉल्स। फिर पेज टर्न करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। सो हियर इज लेट्स ट्राई फाइव, विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो पुट द ब्लैंक एरिया अंडर रनिंग वाटर फॉर सम टाइम। हमें कौन सा हिस्सा रखना चाहिए जलते पानी के हमें कौन सा हिस्सा पानी के नीचे रखना चाहिए अगर हमें जल जाए तो, है ना, अगर हमें जल जाए तो हमें वो हिस्सा पानी के नीचे रखना चाहिए। अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन होना, एंटीसेप्टिक लोशन काय में लगाते हैं हम? कट पे। अ पर्सन बिटन बाय डॉग, अगर डॉग काट ले तो रेबीज का इंजेक्शन लगाना पड़ता है ना, इसलिए यहाँ आएगा डॉग। क्रॉस द रोड एट द रोड, कहाँ से क्रॉस करना चाहिए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ब्लैंक कैन गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक इफ टच विथ वेट हैंड्स, अगर हम गीले हाथों से किसको हाथ लगाएंगे तो हमें शॉक लगेगा? इलेक्ट्रिक शॉकेट को, वो जो आपके घर में बोर्ड होता है ना इलेक्ट्रिक का, अगर आप उसको गीले हाथों से हाथ लगाओगे तो आपको करंट लग जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं करना, ओके। लेट्स ट्राई सिक्स में देखो आपका क्या दिया है। चिल्ड्रेन शुड नॉट प्ले विद द शार्प ऑब्जेक्ट। खेलना चाहिए कि शार्प ऑब्जेक्ट के साथ? बिल्कुल नहीं, तो यहाँ शुड नॉट पे मैंने टिक किया, ओके। वी शुड वॉक ऑन द, अच्छा वॉक कहाँ पे करना चाहिए? फुटपाथ पे कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग? फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हम रोड क्रॉस करते हैं, ओके, और अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हमें वो फुटपाथ से चलना चाहिए, ओके। वी शुड नॉट इंसर्ट अ फिंगर इन अ इलेक्ट्रिक सॉकेट, इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर फिंगर नहीं डालनी चाहिए, शुड नॉट, ओके। लास्ट है आपका लेट्स ट्राई सेवन, जो कि वन वर्ड आंसर है, ओके। सो देखते हैं यहाँ क्या है। वॉट डू यू यूज टू पुट आउट एंड फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिक पॉट। अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के कारण कभी आग लगती है तो वहाँ वाटर यूज नहीं करना, क्योंकि देखो पानी से और ज़्यादा करंट लगता है। अगर इलेक्ट्रिक के कारण मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण करंट के कारण आग लग रही है तो वहाँ पर हमेशा सैंड यूज होती है, ओके, मिट्टी। वेयर शुड यू वॉक ऑन द रोड, रोड पे चलना कहाँ चाहिए? अभी मैंने बताया फुटपाथ। नेम वन थिंग दैट कैन कॉज एक्सीडेंट एट होम, कोई एक चीज बताना था जिससे कि घर पे एक्सीडेंट हो सकते हैं, या मैंने और बता दिया है। नाइफ, जो चाकू होती उससे हो सकती है, फायर से हो सकता है, माचिस आप लोग जला के ऐसी फेंक देते बुना बुझाए उससे आग लग सकती है, ओके। और यहाँ आप और लिख सकते हैं स्लिपरी सरफेस, अगर कुछ गीला है स्लिपरी जगह तो वहां से आप फिसल सकते हैं, तो वहां से भी एक्सीडेंट हो सकता है घर में, है ना। फिर वॉट शुड यू डू टू अ बर्निंग मैचस्टिक बिफोर थ्रोइंग इट, हमें क्या करना चाहिए जलती हुई माचिस को फेंकने से पहले उसे बुझाना चाहिए, ब्लो ऑफ। द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन नीड, सबसे पहले इंजर्ड पर्सन को काय की हेल्प मिलना चाहिए? फर्स्ट एड की, कल ही मैंने आपको बताया था ना। वॉट इमरजेंसी नंबर यू शुड डायल टू कॉल अ फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए क्या नंबर डायल होता है? 101। आप लोग इमरजेंसी नंबर से याद करेंगे, आपकी बुक में दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग ये नंबर्स लर्न करेंगे, ओके। फिर अब आप लोग अपनी प्रैक्टिस बुक ओपन करेंगे और प्रैक्टिस बुक में देखेंगे, प्रैक्टिस बुक में आप देखेंगे अपना माई टर्न वन, ये आपका होमवर्क है जो आप लोग प्रॉपरली फिल करके मुझे सेंड करेंगे। देखो इसमें अपनी पर्सनल डिटेल अपने पेरेंट्स की हेल्प से फिल करना है, तो आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे,
अपनी क्लास लिखेंगे, आपका वेट कितना है वो मम्मी पापा से पूछ के यहाँ लिखेंगे, अपनी हाइट लिखेंगे, आपका ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे मम्मी पापा से पूछ के, ओके। आई साइट, आँखों की प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ, या आपको कैसा दिखता है वो सब लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे बॉडीज पे मार्क होते हैं, ओके, अगर आपकी कोई है तो आप वो लिखेंगे। एलर्जी, अगर आपको कोई एलर्जी है तो यहाँ पे वो लिखेंगे। मेडिकल हिस्ट्री इफ़ एनी, अगर आपको कभी कोई चोट लगी, आपके साथ कोई मतलब मेडिकल प्रॉब्लम हुई है तो वो यहाँ लिखेंगे, या आपके पेरेंट्स की सिग्नेचर प्लस यहाँ पे डेट लिखेंगे कि आप कितने तारीख को ये फिल कर रहे हैं, और ये सब लोग करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। फिर पेज टर्न करके नेक्स्ट देखेंगे, तो ये तो आपका होमवर्क हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे माय टर्न टू, यहाँ क्या दिया, रोड साइंस आर कॉमनली सीन ऑन द रोड्स, हम बहुत सारे रोड साइन रोड्स पे देखते हैं ना, दे शुड बी फॉलोड टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट, और हमें उन्हें फॉलो भी करना चाहिए रोड एक्सीडेंट से बचाने के लिए, बचने के लिए। इन द बॉक्स गिवन बिलो ड्रॉ एनी थ्री रोड साइन दैट यू हैव सीन, राइट द मीनिंग ऑफ ईच साइन बिलो इट। देखो आपको यहाँ तीन ड्रॉ करना था रोड साइंस, तो जो मुझे याद है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, आपको कोई और पता हो तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये साइन होता है स्टॉप के लिए, माने रुकना है, ओके। ये साइन होता है नो यू टर्न, तो क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये क्रॉस वाली साइन हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यू टर्न, और क्रॉस लगा तो माने नो यू टर्न, ओके। फिर यहाँ है पी, पी मीन्स होता है पार्किंग, अब अगर मैं इस पर ऐसे क्रॉस लगा दूँ तो यहाँ हो जाएगा नो पार्किंग, कि हमें उस जगह पे पार्किंग नहीं करनी है। तो ये तीन साइंस जो मुझे याद है वो मैंने बनाया, आपको और पता हो तो आप लोग वो भी बना सकते हैं, ठीक है। और आज का लास्ट वर्क है माय टर्न थ्री, यहाँ आपको इस पिक्चर से ढूंढना था कि किन किन चीज़ों से एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो देखो मैंने आपको पहले ही ट्रिक कर दिया, ये जो है इलेक्ट्रिक वायर यहाँ निकला हुआ है, इससे करेंट लग सकता है, सो इट्स अ एक्सीडेंट। यहाँ जो ये कैंडल्स हैं ये जल रही हैं, तो कर्टेन में इससे क्या हो सकता है, आग लग सकती है ना, इसलिए यहाँ पे मैंने सर्कल किया है। ये देखो यहाँ पानी गिरा है, इससे फिसल सकते हैं। Here on the bag, it's knife and scissor. यहाँ कैची और चाकू रखा हुआ है, इससे आपको लग सकती है। ये जो सामान बिखरे पड़े हैं इनके कारण आप गिर सकते हैं, तो यहाँ से भी एक्सीडेंट हो सकता है। That's why I have make a circle on it. Okay? So this you have to do. Then I have given you homework of my turn one. My turn one मैंने आपको homework दिया, और एक homework है आपका जो है my turn four, काफ़ी बढ़िया homework है ये, तो आप लोग करेंगे ज़रूर। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको जो ये गेम है लैडर एंड स्नेक का, ये आप लोग खेलेंगे अपने पेरेंट्स के साथ, और यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स और उनसे बचने के तरीके यहाँ लिखे हुए हैं, तो ये आप लोग इसके साथ साथ रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। तो आपका दो homework है my turn one और my turn four, और जो मैंने आपको कराया है वो आप लोग सिर्फ बुक में फिल करेंगे, कॉपी में कोई नहीं करेगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। सो बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।